Morning student, in this video lecture we will see operation on relation. Operation on set already हम जो है वो देख चुके हैं set theory में. ये भी relation भी एक set ही होता है, बस इसके जो elements होते हैं वो ordered pair होते हैं. तो operation on relation जो set theory में पढ़े थे exactly same यहाँ पे भी है, right है. तो इसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं. That R and S are two relation defined on a set A. यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू रिलेशंस. तो आर और एस जो है वो कोई दो रिलेशन है तो उनका यूनियन क्या होगा. देखो रिलेशन का जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी. तो आर यूनियन एस में ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कब आएगा, जब ए कॉमा बी या तो आर में रहेगा और या तो एस में रहेगा, राइट है. यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट के जो एलिमेंट है उनको कंबाइन कर लेते हैं एक सेट के अंदर, राइट है. तो दो रिलेशन का रिलेशन भी जो है वो एक सेट ही है, तो इनका यूनियन में क्या करेंगे, दोनों रिलेशन के एलिमेंट को एक सेट में कंबाइन कर लेंगे. उसके बाद इंटरसेक्शन में एक ये रिजल्ट याद रखना है आपको, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर यूनियन एस इज इक्वल टू होता है एम आर और एम एस. ये और वाला सिंबल है जो हमने यूनिट नंबर वन में पढ़े थे, राइट है. ये इसका मीनिंग भी वही है यहाँ पे, बस यहाँ वहाँ पे यूनिट नंबर वन में हमने टी और एफ पढ़े थे. यहाँ पे हमारे पास बूलियन मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स को बूलियन मैट्रिक्स बोलते हैं. टी का मीनिंग वन और एफ का मीनिंग जीरो होता है, राइट है. रिजल्ट वही रहेंगे, जैसे टी और एफ मिलके टी होता है, तो यहाँ पे वन और जीरो इज इक्वल टू वन होगा, राइट है. उसी तरह से जो भी रिजल्ट हमने पढ़े हैं वहाँ पे एग्जैक्टली सेम वो रिजल्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है मैथमेटिकल लॉजिक से. उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशंस आर और एस का इंटरसेक्शन. आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस. आर और एस में अगर दोनों में एलिमेंट रहेगा तो इंटरसेक्शन में आएगा, राइट है. एग्जैक्टली सेम हम जो है वो सेट थ्योरी में पढ़े. उसके बाद नेक्स्ट ये मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस. तो आर इंटरसेक्शन एक्स का जो मैट्रिक्स होगा वो एम आर एंड एम एस, मैट्रिक्स एम आर एंड एम एस, राइट है. तो इंटरसेक्शन जो है वो एंड में कन्वर्ट होता है और यूनियन जो है वो और में कन्वर्ट होता है. तो ये रिजल्ट भी आपको जो है वो याद रखना है, ये भी हमको यूज़ करना है, राइट है. एम मैट्रिक्स ऑफ आर यूनियन एस इज इक्वल टू एम आर और एम एस, मैट्रिक्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आर एंड मैट्रिक्स ऑफ एस, राइट है. नेक्स्ट जो है कॉम्प्लीमेंट रिलेशन. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर डैश और आर बार एंड डिफाइंड एज आर बार इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एंड ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर. देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने ऑलरेडी पढ़े थे, उसके डेफिनेशन अगर यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए सच दैट ये जो ए है ए बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट. इस तरह से हमने पढ़े थे सेट थ्योरी में. एग्जैक्टली सेम डिफिनेशन ये भी है यहाँ पे जो है आर का जो यूनिवर्सल सेट है उसका, आर का यूनिवर्सल सेट क्या है, आर किसका सबसेट है, जिस सेट के ऊपर वो डिफाइंड है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अगर आर जो है वो डिफाइंड है आपका ए पर तो आर जो है वो सबसेट होगा किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा आर, राइट है. तो आर के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा, राइट है. तो आर बार कॉम्प्लीमेंट, आर बार मतलब आर कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ए क्रॉस ए में तो रहेंगे लेकिन आर में नहीं रहेंगे, राइट है. मतलब रिलेशन के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है, जो रिलेशन में नहीं है लेकिन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन हो जाएगा, राइट है. इसके एग्जांपल देखेंगे हम. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशंस आर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स एम आर, राइट है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स एम आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स आपके पास जो है वो इस तरह से मैट्रिक्स है, मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 1 0
और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, एम आर मैट्रिक्स, एम आर कॉम्प्लीमेंट इस तरह से। तो इज इक्वल टू, आप ये मैट्रिक्स में क्या करेंगे, वन के पोजीशन पे ज़ीरो करेंगे और ज़ीरो के पोजीशन पे वन, वन के पोजीशन पे ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो के पोजीशन पे वन। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स और आर इनवर्स। देखो ये भी नोटेशन आर इनवर्स का ही है, आर के ऊपर जो है वो सिमेट्री वाला सिंबल रहता है, उसको रीड यहाँ पे आर इनवर्स ही रीड करेंगे। तो आर इनवर्स एंड डिफाइंड एज आर इनवर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन आर में अगर बी कॉमा ए कोई ऑर्डर पेयर होगा तो उसके इनवर्स में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आएगा, राइट है। फॉर एग्जाम्पल आर रिलेशन इस तरह से है आपका, वन कॉमा टू और थ्री कॉमा फोर, ये आर रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू जो आएगा, आर इनवर्स में कैसे ऑर्डर पेयर आएगी, वन कॉमा टू इसमें है तो इसमें आएगा टू कॉमा वन, और थ्री कॉमा फोर इसमें है तो आर इनवर्स में फोर कॉमा थ्री आएगा, इस तरह से आर इनवर्स रहेगा, राइट है। इसका मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर इनवर्स इज इक्वल टू एम आर ट्रांसपोज। मैट्रिक्स एम आर का को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो आर इनवर्स के लिए मैट्रिक्स बनेगा। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं, ये मैट्रिक्स अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्टली ये रिजल्ट से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़े थे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस, एस कंपोजिट आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स, राइट है। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का अगर आप होल का इनवर्स लेंगे तो वो इनवर्स इस तरह से होगा, आर इनवर्स पहले, आर पहले आ जाएगा, आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी आपको यूज करना है, ये भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल है लेट ए इज इक्वल टू सेट, बी इज इक्वल टू सेट एंड आर एस आर द रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, टू कॉमा बी, टू कॉमा सी, थ्री कॉमा बी, फोर कॉमा ए एंड एस इज इक्वल टू द सेट। फाइंड आर बार मीन्स आर कॉम्प्लीमेंट, आर इंटरसेक्शन एस, आर यूनियन एस, आर इनवर्स, राइट है। देखो आर और एस जो वो रिलेशन है किस पे डिफाइंड है, ए और बी पे, ए और बी पे डिफाइंड है, मतलब आर और एस जो है वो सबसेट है, इसके सबसेट है, ए और बी जो सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, राइट है। और ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, आप यहाँ से इजीली आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, वन कॉमा सी, राइट है। इस तरह से ये एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये एलिमेंट आप इमेजिन कर सकते हैं, टू कॉमा ए, टू कॉमा बी, टू कॉमा सी, थ्री कॉमा ए, थ्री कॉमा बी, थ्री कॉमा सी, फोर कॉमा ए, फोर कॉमा बी, फोर कॉमा सी, ये सारे एलिमेंट आएंगे और ये इसके सबसेट है आर और एस। और आपको कैलकुलेट करना है पहले, पहले क्या कैलकुलेट करना है, आर बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है लेकिन आर में, आर में नहीं है वो सारे एलिमेंट, राइट है। तो देखो आर बार मैंने कैलकुलेट किया हूँ, आर बार इज इक्वल टू, देखो आर में क्या है, वन कॉमा ए है, वन कॉमा बी है, वन कॉमा सी नहीं है, तो वन कॉमा सी आर में नहीं है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो वन कॉमा सी है, राइट है। तो ये आर बार में आए, राइट है। उसके बाद वन कॉमा बी तो आ गया, वन से हो गए पूरे कंप्लीट, टू कॉमा वन, टू कॉमा ए नहीं है, टू कॉमा ए आर में नहीं है तो टू कॉमा ए आर बार में आएगा, ठीक है। टू कॉमा बी इसमें है, टू कॉमा सी इसमें है, राइट है। उसके बाद थ्री कॉमा ए जो है वो आर में नहीं है तो थ्री कॉमा ए आर बार में आएगा, थ्री कॉमा बी इसमें आ गया, राइट है। थ्री कॉमा सी इसमें नहीं है तो थ्री कॉमा सी आर बार में आएगा। उसके बाद फोर कॉमा ए आर में है इसलिए आर बार में नहीं आएगा, फोर कॉमा बी, फोर कॉमा सी नहीं है, फोर कॉमा बी, फोर कॉमा सी इसमें आएगा, राइट है। तो ये मैंने सारे एलिमेंट कहाँ से लिखा हूँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है जो आर में नहीं है। उसी तरह से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आर यूनियन एस। तो दोनों एलिमेंट, ये जो आर रिलेशन दिख रहा है और एस रिलेशन दिख रहा है, दोनों एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट को क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, राइट है। और रिपीट अगर आते हैं तो रिपीट करके नहीं लिखना है, जैसा आर के एलिमेंट तो पूरे के पूरे लिख लिए फोर कॉमा ए तक, उसके बाद एस में वन कॉमा बी ऑलरेडी लिखा है हमारे पास,
टू कॉमा सी ऑलरेडी लिखा है, राइट है, ये टू कॉमा सी आ गया इसमें, थ्री कॉमा बी ऑलरेडी लिखा है इसमें, राइट है, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फोर कॉमा बी इसमें नहीं है इसलिए फोर कॉमा बी को यहाँ पे हमने ऐड कर दी, तो ये यूनियन हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है, वन कॉमा बी, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा बी, आर और एस दोनों में है तो उसके इंटरसेक्शन में आएगा, राइट है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या करना है, ये आर रिलेशन का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो वन कॉमा ए ऑर्डर पेयर इसमें है तो इसमें ए कॉमा वन आएगा, वन कॉमा बी ऑर्डर इसमें तो बी कॉमा वन, टू कॉमा बी ही इसमें है तो बी कॉमा टू इसमें आएगा, टू कॉमा सी का सी कॉमा टू, थ्री कॉमा बी कॉमा थ्री, ए फोर कॉमा ए का ए कॉमा फोर इसमें आएगा, राइट है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, लेट आर एस बी द रिलेशन विद बूलियन मैट्रिक्स एम आर एम एस फाइंड। तो देखो बूलियन मैट्रिक्स दे दिया है, रिलेशन का मैट्रिक्स आपको दिया है और यहाँ पे ए और बी सेट भी दिया है आपको, ए जो है वो 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी सेट है, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है, एम आर डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन एस कैलकुलेट करना है, फिर आर इनवर्स का मैट्रिक्स, एस इनवर्स का मैट्रिक्स, फिर दोनों का यूनियन का मैट्रिक्स, दोनों के इंटरसेक्शन का मैट्रिक्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एम आर डैश कैलकुलेट करेंगे, तो हम मैट्रिक्स, हम कुछ क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स दिया है तो डायरेक्टली मैट्रिक्स से ही कैलकुलेशन कर लेंगे। एम आर डैश इज इक्वल टू होता है एम आर होल डैश, एम आर का होल डैश का मीनिंग जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, मैट्रिक्स एम आर के अंदर आपको क्या करना है, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन करना है, ठीक है। तो एम आर डैश इज इक्वल टू, ये एम आर डैश मैंने कैलकुलेट किया, ये एम आर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ वन है, वन की जगह जीरो किए, यहाँ वन है, वन की जगह जीरो किए, वन के पोजीशन पे यहाँ पे जीरो किए, और ये जीरो की पोजीशन पे यहाँ पे वन किए, सभी को रिप्लेस करें, यहाँ पे पूरी रो के अंदर जीरो है तो सभी की जगह जो है वो जीरो के पोजीशन पे वन कर दिए, राइट है, वन वन जीरो वन, तो ये हो गया 001, सेम जो है वो एम एस डैश में करें, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। उसके बाद एम आर इनवर्स, तो नेक्स्ट एम आर इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम आर इनवर्स ये भी रिजल्ट हमने पढ़े, एम आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम आर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट है। तो ये जो एम आर मैट्रिक्स दिख रहा है इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ये जो पहली रो दिख रही है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इस तरह से करेंगे। उसी तरह से एम एस, एम एस इनवर्स भी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एम एस इनवर्स, राइट है, एस इनवर्स का मैट्रिक्स, तो एस इनवर्स का मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम एस मैट्रिक्स है हमारे पास अवेलेबल, तो एम एस ट्रांसपोज, राइट है। तो ये मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो दिख रही है उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जो दिख रही है उसको सेकंड कॉलम, थर्ड रो जो दिख रही है उसको थर्ड कॉलम, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने की है, तो ये हमारा रिजल्ट है और ये इसके आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, आर यूनियन एस, आर यूनियन आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो ये रिजल्ट भी हमने देखे हैं, एम आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम आर इनवर्स और एम एस इनवर्स, राइट है। तो ये रिजल्ट था हमारे पास, एम आर यूनियन एस इज इक्वल टू एम आर और एम एस, राइट है। तो यहाँ पे आर और एस की जगह आर इनवर्स एस इनवर्स है, तो यहाँ पे आर इनवर्स एस इनवर्स एज इज रहेगा, राइट है। तो आर इनवर्स और एस इनवर्स दोनों भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आर इनवर्स की वैल्यू है मैट्रिक्स और ये एम एस इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो और कैसे कैलकुलेट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे वन है और यहाँ पे जीरो है, तो वन और जीरो, वन और जीरो क्या होता है, वन और जीरो वन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप वन लिखेंगे, जैसा यहाँ पे लिखे ये वन लिखे, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, तो जीरो और वन इज इक्वल टू वन होगा, तो ये रिजल्ट यहाँ पे वन लिखे। उसके बाद इस पोजीशन पे वन है, वन और जीरो, तो वन और जीरो इज इक्वल टू वन और जीरो इज इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे वन लिखे। सेम जो है यहाँ पे वन और वन वन, राइट है, जीरो और जीरो जीरो होता है, राइट है, एफ और एफ मिलके एफ होता है, तो जीरो और जीरो मिलके जीरो होगा।
उसके बाद ये वन और वन मिलके वन होगा, उसके बाद ये वन और ज़ीरो मिलके वन होगा, उसके बाद ये ज़ीरो और ज़ीरो मिलके ज़ीरो होगा, उसके बाद ये ज़ीरो और वन मिलके वन होगा, और उसके बाद ये ज़ीरो और ज़ीरो मिलके ज़ीरो होगा, ज़ीरो और वन मिलके वन होगा, और ये वन और ज़ीरो मिलके वन होगा। तो इस तरह से जो है हमने ये मैट्रिक्स ऑफ आर इनवर्स यूनियन यूनियन एस इनवर्स कैलकुलेट की है। अब हमको इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है इसका, तो इंटरसेक्शन में एंड आता है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन में बीच में एंड रहेगा, तो ये बीच में हमने एंड ले ली है, राइट है। अब इसका प्रोसेस करेंगे, वन एंड ज़ीरो मिलके ज़ीरो होगा, राइट है, वन एंड ज़ीरो, टी एंड एफ मिलके एफ होता है, तो वन एंड ज़ीरो मिलके ज़ीरो होगा, राइट है। और इस तरह से ये सब कैलकुलेशन करेंगे, ज़ीरो और वन मिलके ज़ीरो होगा, राइट है, तो ये पूरा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट्रिक्स एम आर दिया है आपको और एम एस मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे सेट नहीं बताना बताया है, तो आप सेट जो है आपको सपोज कर लेना है। जैसे देखो मैट्रिक्स जो है आर रिलेशन एस रिलेशन कौन से वाले सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो ये आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। आप सेट के एलिमेंट अपने तरफ से लगा दो, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मतलब ये सेट के अंदर थ्री एलिमेंट है, राइट है, थ्री एलिमेंट है, और सेम सेट के ऊपर ये जो है रिलेशन डिफाइंड है। तो मैं एक सेट सपोज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सेट दिया नहीं है, तो आर जो रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ए पर, और उसको नाम दे देता हूँ उसके एलिमेंट को 1 2 3, क्योंकि 3x3 कम मैट्रिक्स है। और एस रिलेशन देखो ऐसे, इसके अंदर थ्री एलिमेंट है और कॉलम इसके अंदर फाइव है, तो ये जो है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट के अंदर थ्री एलिमेंट है और एक सेट के अंदर जो है वो फाइव एलिमेंट है, तो जो दूसरा सेट है उसके दूसरे एलिमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको ए बी सी डी या फिर कोई भी आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। तो एस रिलेशन जो है वो क्या है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और आर रिलेशन जो है वो एक ही सेट के ऊपर डिफाइंड है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करना है हमारे को, आर इनवर्स कैलकुलेट करके बताना है, सॉरी आर कैलकुलेट करके बताना है, एस आर इनवर्स, एस इनवर्स और एस कंपोजिट आर, और उसके बाद आपको ये प्रूफ भी करना है, मैट्रिक्स ऑफ एस कंपोजिट आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स, ठीक है। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे, पहले तो ये गिवन है, उसके बाद मैंने ये सपोज कर लिया हूँ कि लेट ए सेट है उसके अंदर थ्री एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, तो आर रिलेशन जो है वो ए से ए है, 3x3 का मैट्रिक्स है, और एस रिलेशन जो है वो ए से बी रिलेशन है क्योंकि ये 3x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से ये तो हो गया आपका 1 2 3 एलिमेंट, और ये हो गया 1 2 3 एलिमेंट, क्योंकि ए आर रिलेशन जो है वो ए पर ही डिफाइंड है, तो आर रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो 1,1 जो है वो आर में आएगा, यहाँ 0 है तो 1,2 नहीं आएगा, यहाँ 1 है तो 1,3 आएगा, उसके बाद ये 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 इसमें नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 3,1, 3,2, 3,3 ये तीनों के तीनों रहेगी। उसके बाद एस रिलेशंस क्या रहेगा, एस रिलेशंस ये जो है ए से बी बताए हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी ई, तो 1,A रहेगा इसमें, राइट है, 1, फिर डायरेक्टली डी रहेगा, 1,D, 1,D, ठीक है। उसके बाद 2,A रहेगा, 2,C रहेगा और 2,E रहेगा, 2,A, 2,C, 2,E, 3,B, 3,B और 3,D, तो 3,B और 3,D, तो ये हो गया आपके पास आर और एस रिलेशन जो फर्स्ट और ये सेकंड आंसर। अब इसके इनवर्स कैलकुलेट करें, तो इनवर्स में क्या करते हैं, 1,1 इसमें है तो इसके इनवर्स में 1,1 रिवर्स कर देना है, 1,3 इसमें तो 3,1, इसमें 2,1 है तो इसके इनवर्स में 1,2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इनवर्स और एस इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद इसका कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, एस कंपोजिट आर कैलकुलेट करना है, तो एस कंपोजिट आर हम जो है वो मैट्रिक्स से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी शो करके बताना है, तो ये हो गया हमारे पास आर इनवर्स और एस इनवर्स, ऑर्डर पेयर को मैंने रिवर्स कर दिया हूँ। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है एस कंपोजिट आर, तो एस कंपोजिट आर जो है हम मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर लेते हैं, मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है हमारे पास, एस मैट्रिक्स ऑफ एस कंपोजिट आर इज इक्वल टू होता है एम आर
मल्टीपल एम एस, राइट है। डायरेक्टली अगर हम कंपोजिशन वाले डेफिनेशन से जाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा रिलेशन से उसमें कैलकुलेट करने में हमारे को दिक्कत जाएगी। उससे आसान है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मैंने रिजल्ट यूज़ किया हूँ, एम एस कंपोजिट आर इज इक्वल टू एम आर मल्टीपल एम एस। ये एम आर मैट्रिक्स और ये एम एस मैट्रिक्स, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, ये रो से जो रूल है हमारा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल देना है, और एक बार भी अगर वन मल्टीपल वन आ गया तो वन लिखना है, अगर एक भी बार वन मल्टीपल वन नहीं आया तो ज़ीरो लिखना है। तो जैसा यहाँ पे वन से मल्टीपल वन को करेंगे, सेकंड एलिमेंट ज़ीरो से मल्टीपल वन को करेंगे, फिर वन से मल्टीपल ज़ीरो करेंगे, तो फर्स्ट टाइम ही वन मल्टीपल वन आ गया है, तो डायरेक्टली आंसर वन लिख देना है, पूरा प्रोसेस करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल दिए, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीपल दिए, तो ये इसका रिजल्ट है। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीपल दिए, ये उसका रिजल्ट है। फर्स्ट रो से फोर्थ कॉलम को मल्टीपल दिए, ये उसका रिजल्ट है। फर्स्ट रो से फिफ्थ कॉलम को मल्टीपल दिए, ये इसका रिजल्ट है। उसी तरह से सेकंड रो से मल्टीप्लीकेशन और थर्ड रो से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एस कंपोजिट आर मैट्रिक्स हो गया। इससे आप आसानी से एस कंपोजिट आर रिलेशंस लिख सकते हैं। एस कंपोजिट आर रिलेशन क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 2 3 सेट, और ये 5 एलिमेंट है, तो ये ए बी सी डी ई, तो रिलेशंस के अंदर ऑर्डर पेयर आएगी 1, a, राइट है, 1, b, और उसके बाद 1, c नहीं आएगा, 1, d आएगा, फिर उसके बाद 1, e नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं अगली स्लाइड में लिखा हूँ, इस मैट्रिक्स से जो है वो रिलेशंस लिखा हूँ, एस कंपोजिट आर रिलेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये आंसर हो गया हमारा एस कंपोजिट आर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे को शो करना है, हमको क्या शो करना है, एम एस कंपोजिट आर इनवर्स। ये एस कंपोजिट आर का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम आर इनवर्स कंपोजिट एम एस इनवर्स, इस तरह से था, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू कैसे आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो एम एस कंपोजिट आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम एस कंपोजिट आर का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऑलरेडी हमने अभी जस्ट अभी देखे हमने, आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है, आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है एम आर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट है। तो एस कंपोजिट आर इनवर्स के मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स एम एस कंपोजिट आर का ट्रांसपोज, और एस कंपोजिट आर मैट्रिक्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके प्रीवियस स्लाइड में, राइट है, प्रीवियस स्लाइड में है हमारे पास ये है। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिए हमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले लिए, तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए एम आर इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और एम एस इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम आर इनवर्स और एम एस इनवर्स हम ये रिजल्ट से कैलकुलेट करेंगे। जैसा एम आर इनवर्स इज इक्वल टू एम आर ट्रांसपोज और एम एस इनवर्स इज इक्वल टू एम एस ट्रांसपोज। और एम आर मैट्रिक्स और एम एस मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं डायरेक्टली, उसका मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये किए हमने एम आर इनवर्स मैट्रिक्स और ये किए एम एस इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अभी दोनों का राइट हैंड साइड जो है हमारा, एम आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स इज इक्वल टू होगा एम एस इनवर्स मल्टीपल एम आर इनवर्स। ये जो रिजल्ट है हमारा, एम एस कंपोजिट आर इज इक्वल टू होता है एम आर पहले आ जाता है, दूसरे नंबर पे जो है वो पहले आ जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन एम एस, और ये जो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे वो दूसरे नंबर पे चले जाता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की वैल्यू लगाए एम एस इनवर्स और ये एम आर इनवर्स की वैल्यू लगाए। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वैसी है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल दिए, एक भी बार वन मल्टीपल वन आया तो वन आंसर, अदरवाइज जीरो आंसर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो आया वो ये आंसर बना, राइट है। और ये मैट्रिक्स जो है एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर वन में बना है हमारा, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, एम एस कंपोजिट आर इनवर्स इज इक्वल टू एम आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स, ठीक है, ये हमको शो करना था, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आप होमवर्क रहेगा, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, मेट्राइसिस फॉर आर एंड एस इन रिलेशंस के लिए आपको मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर ये शो करके भी बताना है, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आपको रिलेशन दिया है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आएगी,
ऑर्डर पेयर ये एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आर में कब रहेगी, जब दोनों का एडिशन थ्री रहेगा, और सेट भी दे दिया आपको, राइट है। तो देखो मैं आर रिलेशन आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री आना चाहिए, तो 0.0 इसमें नहीं रहेगा क्योंकि 0+0 जो है वो थ्री नहीं होता है, ठीक है। 0.1 नहीं रहेगा, 0.2 नहीं रहेगा, 0.3 रहेगा क्योंकि 0+3 थ्री होता है। उसके बाद 1.0 नहीं रहेगा, 1.1 नहीं रहेगा, 1.2 रहेगा, 1.2 आएगा क्योंकि 1+2 जो है वो थ्री होता है। फिर 2.0 नहीं रहेगा, 2.1 रहेगा, 2.1 इसमें आएगा, 2+1 थ्री होता है, राइट है। 3.0 इसमें आएगा क्योंकि 3+0 थ्री होता है, राइट है। उसके अलावा ये बन गया आपका आर रिलेशन। उसके बाद एस रिलेशन आपको बनाना है इसके अंदर, तो एस रिलेशन में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर एस में कब आएगा, जब एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू फोर रहेगा, मतलब लेस भी और इक्वल टू भी, ग्रेटर नहीं चलेगा, राइट है। तो देखो इसमें 0.0 भी आएगा क्योंकि 0+0 जीरो होता है, जीरो जो है वो फोर से छोटा होता है। 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 0.3 भी आएगा, ठीक है। उसी तरह से इस रिलेशन में 1.0 आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 भी आएगा। उसके बाद 2.0 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 नहीं आएगा क्योंकि 2+3 जो है वो 5 होता है, ठीक है। उसके बाद 3.0 आएगा, 3.1 आएगा, राइट है, 3.1 आएगा, 3.2 नहीं आएगा, 3.3 नहीं आएगा। तो ये एस रिलेशन हो जाएगा। फिर उससे अब आप जो है इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, एम आर मैट्रिक्स और एम एस मैट्रिक्स। एम आर मैट्रिक्स और एम एस मैट्रिक्स 4x4 के मैट्रिक्स रहेंगे क्योंकि सेट के अंदर जो है वो फोर एलिमेंट्स।